क्या आरसीबी इस साल भी प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या आरसीबी इस साल भी टाइटल नहीं जीत पाएगी? रुको जरा, सब्र करो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस टीम इज स्टिल अलाइव इन द रेस टू प्लेऑफ्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने शुरुआती मैचेस में से 8 में से 7 मैच हारे थे और सिर्फ 1 मैच जीता था, अब वही टीम लगातार अपने 5 मैचेस जीतकर प्लेऑफ्स की दौड़ में बनी हुई है। कैन यू बिलीव इट, पॉइंट्स टेबल में एक टाइम में लास्ट में रहने वाली टीम अब 5th प्लेस पर आ गई है आफ्टर देयर विन अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, एंड देयर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग हैव इंक्रीज्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आरसीबी कैन क्वालिफाई। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर नेट रन रेट, प्लस दे विल हैव टू विन देयर नेक्स्ट मैच इन ऑर्डर टू गेट 14 पॉइंट्स एंड प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी। इसके लिए उन्हें सीएसके के नेट रन रेट से भी आगे निकलना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, उनका जो नेक्स्ट मैच है वो तो सीएसके के अगेंस्ट ही है 18th मई को। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। अगर आरसीबी और सीएसके का मैच एक नॉकआउट मैच होता है तो आरसीबी को वो मैच 18 रन से जीतना पड़ेगा अगर वो 200 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाते हैं। अगर वो चेस कर रहे हैं तो विद इन 18.1 ओवर्स उन्हें चेस करना पड़ेगा और इसी से वो सीएसके के नेट रन रेट से आगे निकल सकते हैं। ऑल्सो लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 रिमेनिंग मैचेस हैं जिसमें से एलएसजी को 1 मैच हारना पड़ेगा क्योंकि वो भी टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के लिए दोनों मैचेस ही जीतना चाहेंगे। ये जो लड़ाई है ये 3 टीम्स लड़ रही हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चेन्नई के लिए कंपैरेटिवली चीजें थोड़ी आसान है, उन्हें नेक्स्ट मैच जीतना पड़ेगा जिससे उनके क्वालिफाई करने के लिए जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में आरसीबी के लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी क्योंकि उनके मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स अपने दोनों मैचेस खेल चुकी होगी। अब देखना ये होगा कि क्या चीजें जो हैं वो आरसीबी के फेवर में जाती हैं या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी? क्या आरसीबी इस साल ट्रॉफी उठाएगी? Let us know in the comment section below.